हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई की एग्जामिनेशन बिल्कुल अब आ ही गई, तो आज हमें एक बहुत बड़ा अपडेट मिला है। वो ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि आपका भी एडमिट कार्ड, पहले तो कल खुशखबरी आई कि एडमिट कार्ड आ गया है, आपको डेट मिल गया होगा, आपको स्थान मिल गया होगा, लेकिन बहुत लोगों को दो दो एडमिट कार्ड्स मिल रहे हैं या दो दो डेट उनके कन्फर्म हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूँ, तो जैसा अनाउंसमेंट था कि एडमिट कार्ड 15 तारीख को आने वाला है, लेकिन एडमिट कार्ड 15 तारीख को नहीं, 17 तारीख को हमको इसका अपडेट मिला। सबसे पहला आप यहां पे देख सकते हैं कि एक मेल आपको आया होगा जहां पे फॉर एग्जांपल ये 22 तारीख लिखा है, और उसी कैंडिडेट को उसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे ये दूसरा मेल आया है जहां पे 2023 ये 24 फरवरी लिखा है। तो आप ये मत सोचिए कि सीआरपीएफ की कोई गलती है, नहीं, इसमें सीआरपीएफ की कहीं कोई गलती नहीं है, बिल्कुल एग्जामिनेशन होगा, इसके बारे में जो भी अपडेट होगा आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप अभी बिल्कुल भी डेविएट नहीं हो सकते हैं। जब एडमिट कार्ड आएगा, ये भी हो सकता है कि आपके पास दो एडमिट कार्ड आए, कोई बात नहीं, जैसे ही आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, दो एडमिट कार्ड भी आएगा, तो क्या करना है वो हम आपको बता देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आता है हम आपको बता दें। अभी दो डेट आ रहे हैं, दो एडमिट कार्ड भी आ सकता है, कहीं पर भी डेविएट मत होइए, सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जामिनेशन पर फोकस कीजिए। और अभी भी मैं आपको कह रही हूं कि आप क्लर्कियल एप्टीट्यूड पर ध्यान दीजिए, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश या हिंदी आपने तैयार कर ली होगी, लेकिन क्लर्कियल एप्टीट्यूड में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज से पता चलेगा। तो टेस्ट सीरीज बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने कुछ नहीं करना है, आपने गूगल पे जाना है। जैसे आप गूगल पे क्लिक करते हैं, आप adda247.com पे जाते हैं, जैसे आप इस वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज में जाके आप डिफेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफेंस का ऑप्शन आएगा, डिफेंस पे क्लिक करके आपने यहाँ पर सीआरपीएफ पे क्लिक करना है। सीआरपीएफ पे आपको अब पढ़ने का टाइम नहीं है, आपको टेस्ट बनाने का टाइम है। हेड कॉन्स्टेबल या एएसआई, हेड कॉन्स्टेबल या एएसआई जिसके लिए भी आपने फॉर्म भरा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल है और एएसआई दोनों हैं, तो आपने जिसके लिए भी फॉर्म भरा है आप टेस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। सिर्फ 119 रुपए का आपके पास टेस्ट पैक है, लेकिन मैं आपको और बता देती हूँ, अगर आप Y332S कोड यूज करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 98 रुपीज का आपको टेस्ट पैक मिल जाएगा। 100 रुपए से भी कम में आपको यहाँ पे कोड यूज करने पर Y332S 100 रुपए से भी कम में आपको टेस्ट पैक मिल जाएगा। आप टेस्ट बनाना बिल्कुल शुरू कर दीजिए, और 4-5 दिन बचा है, लेकिन आप टेस्ट बनाने से बिल्कुल भी मत कतराइएगा, टेस्ट आपको बनाना ही है, डेविएट नहीं हो सकते, यू कैन नॉट बी डेविएटेड, राइट। थैंक यू।